नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोई भी कर सकता है ये टोने टोटके। मिलते हैं मनवांछित फायदे। दोस्तों, सभी की यह चाहत होती है कि वह सुख व चैन से जिए, उसके पास कभी भी पैसे की कमी ना हो। लेकिन कई बार हम ऐसे काम कर जाते हैं जिनके बुरे प्रभाव के बारे में हमें नहीं मालूम होता। हमारे शास्त्रों व ज्योतिष ग्रंथों में भी कई ऐसी चीजों का उल्लेख है जिन्हें करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है व हमारी धन संपत्ति का नाश होता है। धार्मिक किताबों में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपना जीवन सुख व खुशहाली से बिता सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए। गंदे नाखून। शास्त्रों व ज्योतिष की किताबों में बताया जाता है कि हमारी ऊर्जा हमारे शरीर से उंगलियों से निकलती रहती है। यदि हमारे नाखून बड़े व गंदे होंगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे व हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अतः सुखी जीवन के लिए नाखून हमेशा साफ रखने चाहिए। रात को परफ्यूम या डियो का प्रयोग। शास्त्रों व ज्योतिष की किताबों के अनुसार रात को सोने के समय कभी भी डियो या परफ्यूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को हमारी ओर खींच कर लाती हैं, जिसके बुरे प्रभाव हमें उठाने पड़ते हैं। टूटे कंघे का प्रयोग। हम अक्सर घर में बालों को सवारने वाले कंघी की तरफ ध्यान नहीं देते। हम अक्सर ध्यान न देने की वजह से टूटे तार वाले कंघे से भी बाल संवारते रहते हैं। शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। टूटे हुए कंघे से बाल सवारने से या उसे घर में रखने से हमारी संपदा कम होती जाती है। अतः इस तरह के कंघे यदि हो तो उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। रात को जूठे बर्तन छोड़ना। अक्सर हमारे घरों में रात के जूठे बर्तन रसोई में रख दिए जाते हैं, जिन्हें सुबह साफ किया जाता है। धार्मिक किताबों में इसे भी गलत बताया गया है। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है व लक्ष्मी का वास उस घर में नहीं रहता। इसलिए रात के जूठे बर्तनों को हमेशा साफ करके ही रखें। गंदे कपड़े। यदि कोई इंसान गंदे कपड़े पहनता है तो यह उसके व्यक्तित्व पर तो बुरा प्रभाव डालते ही है, साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। इसलिए भले ही सोते वक्त या घर पर भी हमेशा साफ कपड़े ही पहने। रसोई में पानी का बर्तन खाली रखना। यदि आप अपनी रसोई में पानी पीने का बर्तन जैसे मटका या स्टील का बर्तन रखते हैं तो हमेशा उन्हें भर कर रखें। पानी का बर्तन खाली रखने से धन की हानि होती है व उसे हमेशा पानी से भरा रखने पर लक्ष्मी की कृपा होती है व घर में लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, इन टोने टोटकों से मिलते हैं मनवांछित फायदे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।